जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जिनका जवाब देने वाला हूं। तो मुख्यतः जो क्वेश्चन कौन कौन सा है, एक तो अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या उस स्टेट का डोमिसियल चाहिए आपको, ठीक है, क्या उस स्टेट का डोमिसियल फॉर्म आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हो आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, एक से ज्यादा स्टेट से आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, एसएससी जीडी की जो आपकी आईडी पिछली बार जैसे आपने फॉर्म में अप्लाई किया था उसमें आपने काफी गलतियां कर दी, जैसे फादर नेम में या मदर नेम में आपने कुछ गलतियां कर दी, तो क्या उनको सुधार सकते हो या वो गलतियां है जैसे की जैसी रहेगी, या आपकी जो आईडी है वो गुम हो चुकी है तो उसका क्या समाधान है, और क्या आपकी एजुकेशन किसी अदर स्टेट से है, अब प्रेजेंट टाइम में आप कहीं और रह रहे हो। इसके साथ में एक क्वेश्चन और है कि आप पहले किसी और स्टेट में रहते थे, आपके पास में वहां का भी डोमिसियल है, और अब आप जहां रहते हो वहां का भी आपके पास में डोमिसियल है, यानी दो स्टेट के आपके पास में प्रेजेंट टाइम में डोमिसियल है, तो आपको फॉर्म कौन से स्टेट से, यानी परमानेंट एड्रेस से लगाना चाहिए या प्रेजेंट एड्रेस से लगाना चाहिए, ये मुख्यतः आपके जो क्वेश्चन है उनको मैंने एक साथ संगठित किया है, ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा। साथ ही दोस्तों एक चीज और बता दूं कि आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों अभी तक आपने कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए कमांडो एकेडमी का ऐप और तैयारी करिए हमारे साथ एसएससी जीडी की। बहुत ही शानदार लाइव क्लासों के साथ में पीडीएफ नोट्स और भी कई प्रकार की सुविधाएं, मॉक टेस्ट की, वीकली टेस्ट की सुविधाएं हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अदर स्टेट से अप्लाई करने के लिए क्या उस स्टेट का डोमिसियल चाहिए, नहीं। अगर आप उस स्टेट का डोमिसियल लगाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उस स्टेट के नागरिक हुए, अदर स्टेट के नहीं। अदर स्टेट का नागरिक का मतलब है कि मैं राजस्थान का हूं, मैंने गुजरात से अप्लाई किया, ये अदर स्टेट है। लेकिन अगर मेरे पास में गुजरात का डोमिसियल है तो मैं गुजरात का नागरिक हूं, ना कि राजस्थान का, ठीक है। आपके पास में एक ही जगह का डोमिसियल हो सकता है, एक साथ दो जगह का नहीं हो सकता। अगर ऐसी कंडीशन में है तो आपका पहले वाला डोमिसियल खारिज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अदर स्टेट से अप्लाई करने के लिए उस स्टेट का डोमिसियल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कई ऐसी शर्तें और कंडीशन है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देखिए, मेरी एक लाइव का सेशन है डॉक्यूमेंट्स पे पूरा का पूरा, उसको भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके जरूर देख लिए। इसके लिए पूरी डिटेल में वहां पर बताया हुआ है कि अदर स्टेट से अप्लाई किस प्रकार से होता है और कौन कौन से स्टेट से आप गलती से भी अप्लाई नहीं करना, वहां पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां का डोमिसियल नहीं चाहिए, ठीक है, लाट दो। दूसरा क्वेश्चन, एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं एसएससी जीडी में या एक से ज्यादा स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, लाट दो। अगर आपने ऐसी कोशिश की तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट रिजेक्ट आपका फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एसएससी की जो आईडी है उसमें आपकी जो नंबर आप जो लगाओगे 10th क्लास के बोर्ड के या कुछ भी ऐसी आईडी अगर सेम पाई गई तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में एसएससी आईडी में आपकी पिछली बार जो फॉर्म भरा था, जो आईडी आपने बनाई थी उसमें काफी गलतियां हो गई आपसे फादर नेम में, मदर नेम में या आपके 10th क्लास के रोल नंबर में, तो अब उनका क्या होगा, उनको आप सुधार सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि उनको नहीं सुधार सकते, उनको सुधार सकते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से तैयार करा लीजिए अकॉर्डिंग टू 10th क्लास में, इससे पिछले वीडियो जब बनाया था तब मैंने आपको कई बार बताया, ये वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि पूरे दिन मेरे को हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ एक ही मैसेज है कि सर 10th क्लास में ये नाम था, अब मम्मी का ये नाम है, पापा का ये नाम। मैं आपको बताऊं, आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसको मूलभूत आधार मान लीजिए एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका आधार कार्ड है, किसका, आपका आधार कार्ड है, या आपकी जो और मूल निवास है या डोमिसियल जिसको बोलते हैं, या जो जाति प्रमाण पत्र है, इनको क्या करिए, इसके 10th क्लास के अकॉर्डिंग सबमिट कर लीजिए, सही कर लीजिए, और वो जो फॉर्म अप्लाई करोगे या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने जाओगे उस समय वही सबमिट करने हैं, या डॉक्यूमेंट जब अप्लाई करो तब वही लगाने हैं, ताकि उससे क्या होगा लाडलो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इस बात का। इससे अगला क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन अदर स्टेट से है, मान लीजिए कि आपकी एजुकेशन मुंबई से या दिल्ली से है और प्रेजेंट टाइम में आप राजस्थान रहते हैं, यूपी में, उत्तराखंड में रहते हैं, अब आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसियल है क्योंकि आपने वहां पर मकान ले लिया, आपके फादर वहां रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली वहां रहती है, या भले ही आप अकेले रहते हो और आपके पास में उत्तराखंड का अगर डोमिसियल है, तो क्या आप उत्तराखंड से अप्लाई करोगे या जहां से आपकी एजुकेशन है। तो दोस्तों मैं बता दूं, एजुकेशन भले ही आपकी टोटल ऑल इंडिया में कहीं के भी हो, एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में जहां का डोमिसियल है आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, भले ही एजुकेशन आपकी कोई से भी देश की क्यों ना हो, इंडिया में आप भले कहीं पे भी कोई भी एजुकेशन क्यों ना क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एजुकेशन का कोई मैटर नहीं है, आप चाहे कहीं से भी एजुकेशन किए हो आप फॉर्म अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो लाडलो। इसके अलावा अगली बात, डोमिसियल क्या है,
डोमिशियल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास में एक से ज्यादा स्टेट के अगर डोमिशियल है। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको एसएससी जीडी की बुक की काफी डिमांड रहती है, अगर आपको एसएससी जीडी की बुक लेनी है तो एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है, काफी अच्छी बुक आती है, एग्जाम कार्ड की मॉडल पेपर की एक बुक आती है, अगर आपने वो परचेस नहीं किए तो आप कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है, उसमें एसएससी जीडी के पुराने पेपर भी दिए हुए हैं और साथ में नए पेपर भी दिए हुए हैं, ठीक है लाडो। तो अब बात करें डोमिशियल, तो आपके मान लो आपके पास में पहले आप रहते थे राजस्थान में, वहां का डोमिशियल भी, अब आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपके पास में महाराष्ट्र का डोमिशियल है, या पहले किसी और जिले में रहते हो डिस्ट्रिक्ट में, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपके पास में दोनों के डोमिशियल है। अब आपको फॉर्म कहां से अप्लाई करनी है, आपको क्या प्रेजेंट एड्रेस से फॉर्म अप्लाई करना है या परमानेंट एड्रेस से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके डोमिशियल से। आपका जो डोमिशियल यानी आपका जो मूल निवास आपके पास में जिस जिले का है प्रेजेंट टाइम में, आप उससे अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो आप मुंबई में रहते हो और आपका डोमिशियल राजस्थान का है, मुंबई में आपको रहते हुए 2-3 साल हो गए लेकिन आपके पास में वहां का डोमिशियल नहीं है, तो आप राजस्थान से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में कहां का मुंबई का है डोमिशियल, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको एक न एक जगह का डोमिशियल खारिज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर तो मुझे लगता है मेरे ख्याल से आपकी जो भी इंक्वायरी थी इन क्वेश्चनों को लेके वो पूरी हो गई है, ठीक। इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी कमेंट बॉक्स को रीड करके अगले क्वेश्चनों का आपका आंसर जल्दी ही दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।